सो तो दोस्तों आज बात करेंगे प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर क्या होता है, अरे आपके मोबाइल में ये क्या काम करता है, और लैपटॉप में भी ये यूज़ होता है और पीसी में भी यूज़ होता है, और इसमें क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं। तो आज इस बारे में आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसमें होती हैं। जैसे आप सुनते हैं कि डुअल कोर को कोड कोर ऑक्टा कोर, और इसके अलावा जो है नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर, 12 नैनोमीटर, 14 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर, और इसके अलावा जो आप कॉर्टेक्स 53, 50 और 57 तक आप सुनते हैं, तो A53, A57 तक आप सुनते हैं, और इसके अलावा जो है गीगा हर्ट्ज के बारे में सुनते हैं। तो अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन है ये क्या क्या काम करते हैं और ये किससे काम किस तरह काम करते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपके सब क्वेश्चन और डाउट क्लियर कर दूंगा। तो अगर आप दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर लेना, और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। तो सब तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। सो तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेता हूँ प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है और आपके मोबाइल में वो क्या काम करता है। दोस्तों अगर आप यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो गेम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके जो मोबाइल है अगर जल्दी काम कर रहा है तो वो आपके प्रोसेसर का काम है। आपका प्रोसेसर जितना अच्छा होगा तो आपका मोबाइल की इतनी स्पीड ज़्यादा होगी, प्रोसेसर कमज़ोर है तो आपके मोबाइल की जो है स्पीड वो भी कम होगी और स्लो चलेगा। तो दोस्तों ये सब कमाल जो है प्रोसेसर का होता है। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल ले जाता हूँ, अगर आप एक पास एक गाड़ी है, गाड़ी अगर चला रहे हैं तो उसका इंजन कमज़ोर है, तो वो जब उसका इंजन कमज़ोर होगा तो वो थोड़ा टाइम चलेगी, फिर रुक जाएगी, फिर थोड़ा टाइम चलेगी, रुक जाएगी। तो अगर उसका इंजन कमाल का होगा तो वो सब दोस्तों ऑलरेडी चलती रहेगी और एक स्पीड के मीयर पे चलती रहेगी, तो वो काफ़ी अच्छी होगी। तो वो दोस्तों उसके बॉडी का कमाल नहीं है, उसके इंजन का कमाल है। इसी तरह मोबाइल में प्रोसेसर का कमाल होता है जो आपके मोबाइल की स्पीड को रेंज को बढ़ा लेता है। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर में क्या क्या होते हैं और इसका डिज़ाइन कैसे होता है। तो दोस्तों एक आम कंपनी है जो एक इनका डिज़ाइन तैयार किया जाता है, उस कंपनी से इसका डिज़ाइन तैयार किया गया, जो अब दोस्तों तो अब इस टाइम रिसेंट जो है बहुत अच्छी डिज़ाइन तैयार किए गए हैं और बहुत बहुत कमाल के जो है प्रोसेसर के डिज़ाइन किए तैयार किए जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कोर्टेक्स। कोर्टेक्स ए आप सुनते होंगे, A20 है, A50 है, A53 है, A57 है, और ये क्या क्या काम करते हैं। दोस्तों ये जितने ज़्यादा होंगे इतने आपका प्रोसेसर जो है अच्छा होगा। इसी तरह आप बात कर लेते हैं जो है कोर, दोस्तों इसमें जो होती हैं कोर चार किस्म के जो इसमें डाली जाती हैं, जो होती हैं टूल डुअल कोर, ऑक्टल कोर और कोड कोर होती हैं। डुअल कोर जो होती हैं दोस्तों, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक आदमी है तो मेरे दो हाथ हैं, तो मैं एक जो है काम करूंगा लेकिन थक जाऊंगा, इतना तेज़ी से काम नहीं कर सकूं। तो अगर आपके पास जो है कोड कोर है तो वो चार हो जाएंगे, मतलब चार बंदे आप काम कर रहे हैं तो वो चार हिस्सों में काम बढ़ जाएगा और थकन भी कम होगी और काम जल्दी होगा। और इसके अलावा जो तीसरा वो है ऑक्टल कोर, वो आठ हो जाएंगे। तो इस जैसे आपको बताया कि वो आठ बंदे जब काम करेंगे तो वो और जल्दी काम करेंगे। इसमें जो होते हैं अगर आपका प्रोसेसर जो है ऑक्टल कोर है तो आपका प्रोसेसर अच्छा है। और अब बात कर लेते हैं नैनोमीटर, जो नैनोमीटर होते हैं वो दोस्तों इसमें ट्रांजिस्टर होते हैं जो हज़ारों के हिसाब से जो है प्रोसेसर में लगाए जाते हैं। जितने छोटे छोटे होंगे इतने अच्छा प्रोसेसर काम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो है 20 नैनोमीटर वो स्लो चलेगा, इतना तेज़ नहीं होगा। अगर आपका जो 14 नैनोमीटर वो भी अच्छा चलेगा क्योंकि वो कम होता जाएगा उसकी जो आप फॉर एग्जांपल ये मैं करूँ अगर 20 है तो इधर होगा तो आपके जो ट्रांजिस्टर हैं वो थोड़ा स्लो मोशन में काम करेंगे क्योंकि इतना प्रोसेसर तेज़ नहीं, क्योंकि वो अब फासला पे आप खुद चेक कर लेंगे। अगर आप किसी फासले पे बात करेंगे तो आपको जो अगर काम करेंगे थोड़ी देर इधर जाएंगे तो फिर वापस आएंगे तो वो काम इतना तेज़ नहीं करेगा। अगर आपके पास करीब हो चुका है तो जैसे 14 नैनोमीटर है तो आपको जल्दी उसमें पहुँच जाएंगे और आप जो है काम जल्दी कर लेंगे। अब तो दोस्तों जो है पहले तो सैमसंग जो है सबसे ऊपर जा रहा था, अब एप्पल ने भी जो है निकाल दी ऐसी चिप जो 7 नैनोमीटर, मतलब 7 नैनोमीटर बिल्कुल करीब जो उसके ट्रांजिस्टर जो हज़ारों के हिसाब से करोड़ों के हिसाब से उसमें प्रोसेसर में लगे होते हैं जो वो काम करते हैं। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं जो गीगाहर्ट्ज़ होते हैं, फ्रीक्वेंसी इसकी जो होती है दोस्तों, जो ये जैसे नैनोमीटर बहुत कम होते जाते हैं लेकिन ये जितना ज़्यादा होगा इतना आपको ज़्यादा काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है 1 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है तो 1 गीगाहर्ट्ज़ का एक सेकंड में ये इतना 1 करोड़ के हिसाब से जैसे काम कर रहा है, तो ये जैसे 1.8 होगा तो ये उससे ज़्यादा काम करेगा। अगर 1.9, 1.2 पॉइंट पे चला जाता है तो जितने गीगाहर्ट्ज़ ज़्यादा होंगे दोस्तों ये इतनी स्पीड से काम करेगा। ये गीगाहर्ट्ज़ का काम ये है कि जितने आप इसमें हज़ारों करोड़ों के हिसाब से काम करता है। तो दोस्तों आपने जब भी कोई मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर लेने जाना है तो सबसे पहले आप उसका जो है प्रोसेसर का पूछें, क्योंकि आपको रैम ज़्यादा होगी वो भी इतना अच्छा नहीं होगी। रैम का सिर्फ काम है जो
اس کی جو چلانے آپ کی اپلیکیشن کو صرف رن کرنے کے, باقی اس کا کوئی کام نہیں. آپ کی میموری بھی اچھی ہو یا نہ ہو, یہ آپ کے انسٹرنل میموری ایس جی کارڈ لگنا ہو, یہ بھی اتنا اچھا کمال. سب سے مین پوائنٹ جو آپ کا موبائل کا پروسیسر اگر اچھا ہوگا یا آپ کے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر, تو وہ آپ کے موبائل کو اسپیڈ دے گا اور آپ کا جو ہے سلو نہیں کرے گا. تو آپ نے جب بھی جانا ہے کسی چاپ وغیرہ یا کسی بھی آپ نے موبائل کو لینا ہے, تو پہلے آپ نے چیک کر لینی ہے اس کا ڈیزائن, ڈیزائن کے بعد سوری اس کے بعد چیک کر لینا ہے کورٹیکس اس کے اتنے زیادہ ہوں گے 57 تک, اور اس کے علاوہ آپ نے اس کے جو چیک کر لے ہیں ڈول کور, اوکٹل کور اور اس کے کوڈ کور. تو اگر اوکٹل کور ہوگا تو وہ 8 پہ ہوگا, تو آپ کے جو ہے 8 پہ ہوگا تو وہ کام زیادہ اچھا کرے گا. اب چیک کر لیتے ہیں نینو میٹر. نینو میٹر جتنے آپ کے کم ہو گئے, تو آپ کے جتنا بھی نینو میٹر کم ہو گئے تو آپ کا اور پروسیسر اچھا ہوگا. اور اینڈ پہ بات کر لیتے ہیں جو گیگا ہرٹز جتنے زیادہ ہوگا تو اتنے آپ کا پروسیسر اچھا ہوگا. تو دوستو اگر آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا, اگر اچھی نہیں لگی تو پھر بھی ڈس لائک کر دینا. تو اگر آپ اس چینل پہ اگین کہتا ہوں کہ نہیں ہے تو پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ساتھ جو بیل آئکن اس پہ بھی کلک کر لینا, اور میں انسٹاگرام پہ بھی فالو کر لینا, کیونکہ میں اس طرح نیکسٹ جو ویڈیو اپلوڈ کرنی ہوتی ہے میں اسٹوری اپلوڈ کر دیتا ہوں. تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ فرینڈس.